हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, अभी आपका SBI जो फार्मासिस्ट है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो है आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी नौणी में जो फार्मासिस्ट के लिए एग्ज़ाम होने वाला है, लेटेस्ट अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके उस एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेजर कंपाउंड सिक्रेटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शंस आर थायरोक्सिन, डाईआयोडोथायरोनिन, टायरोसिन और आयोडीन। तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। T3 इज ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 इज आर थायरोक्सिन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथेनॉल शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट टेकिंग एंटीबायोटिक्स बिकॉज। ऑप्शंस आर इट हैज टेंडेंसी टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में रिजल्ट, इट प्रोड्यूस डिजीनेस और कॉज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। सो द क्वेश्चन इज इथेनॉल अवॉइड करना चाहिए जरूरी वो उन पेशेंट के लिए जो कि एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, सॉरी एंटी डायबिटिक्स ले रहे हो ड्रग, जैसे कि आपके जो कि आपका जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, ग्लिमिप्राइड, जितनी भी आपकी टोलब्यूटामाइड आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती हैं उनको ले रहे हैं, तो उसके साथ इथेनॉल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके साथ इथेनॉल को लेंगे तो और ज़्यादा जो है हमारा लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा और ज़रा हाइपोग्लाइसिमिक एक्शन जो है वो शो कर देगा हमारी जो एंटी डायबिटिक ड्रग होती हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाईली एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट इन ऑप्शन आर बजट हॉस्पिटल, एलाइट हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईली एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी जो हमारे पास हॉस्पिटल में होती है वो होती है एलाइट हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसको हम 5-स्टार हॉस्पिटल भी बोलते हैं, जहाँ पर कि आपका TV और आपको AC वगैरह हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वहाँ पर फ़ोन आपका पर्सनल होगा। तो हाईली एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट होती है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एलाइट हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटिक अर्थराइटिस इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ। ऑप्शंस आर ESR, ऑप्शन बी इज ESR एंड रूमेटिक फैक्टर, नेक्स्ट इज हेमोग्लोबिन एंड यूरिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ESR, दिस इज ESR एंड रूमेटिक फैक्टर से हम जो है रूमेटिक अर्थराइटिस को डायग्नोस पता लगा सकते हैं कि इसको रूमेटिक अर्थराइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC इज ऑप्शंस हैं एडवर्सरी, एजुकेशन रिपोर्ट, ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग और ये सभी। द PTC इज फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी, ठीक है, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी PTC के अंदर आते हैं आपके फार्मासिस्ट, आपके जो डॉक्टर्स हो गए आपके और आपका नर्सेज वगैरह ये स्टाफ आ जाता है इसमें। तो इनके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होते हैं PTC के? तो PTC जो है वो एडवाइस करता है, एजुकेशन रिपोर्ट देता है और हमारे जितने भी ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन आते हैं सेफ्टी के ऊपर काम करता है। तो हमारा वो कौन करता है? PTC। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सिग्ना इन द प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेटेड। तो सिग्ना जो है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या इंडिकेट करता है? तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और फिर आता है सिग्ना। सिग्नेचर जो है क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शंस हैं लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट और ये सभी। तो जो हमारा सिग्ना होता है वो उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो वो आता है सिग्ना पार्ट के अंदर प्रिस्क्रिप्शन के। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है सही जवाब रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्जिकल गॉज इज चेक्ड फॉर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। तो ऑप्शंस हैं
यार्न नंबर थ्रेड पर स्टेटेड लेंथ वेट पर यूनिट एरिया या ये सभी। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर डी ये सभी सभी जो हैं वो सर्जिकल गोल्स के लिए सभी स्टैंडर्ड जो हैं चेक किए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी लेप्रोटिक ड्रग क्लोफाजिमिन कॉज क्या कॉज करता है। ऑप्शन है नेफ्रोटॉक्सिसिटी फोटोसेंसिटिविटी हेपेटोटॉक्सिसिटी और इनमें से कोई नहीं। जो हमारी लेप्रा की ड्रग है लेप्रोसी जो है कुष्ठ की जो ड्रग है वो क्लोफाजिमिन जो है वो क्या कॉज करती है वो करती है फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है स्किन को उसके उसका इसके रेगुलर इस्तेमाल से जो है स्किन पे फोटोसेंसिटिविटी जो है वो देखने को मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नोइंग द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज विच वन ऑफ दीज ब्लड एग्जामिनेशन इज मोर सिग्निफिकेंट। ऑप्शन आर ई एस आर कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड और हीमोग्लोबिन। सो इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्स शुगर कंसिस्ट ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑप्शन आर डेक्सट्रोज एंड लेवलोज डेक्सट्रोज एंड सुक्रोज फ्रक्टोज एंड सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज। सो द ऑप्शन डी इज राइट फॉर डेक्सट्रोज एंड फ्रक्टोज आर इनवर्स शुगर जिनमें इक्वल पार्ट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हेन वन और मोर स्टेराइड प्रोडक्ट्स आर एडेड टू एन इंट्रावीनस फ्लूड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन द रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन इज नोन एज उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन पेरेंटल सॉल्यूशन आईवी इन्फ्यूज़न इरीगेशन सॉल्यूशन और इन एडमिक्सचर। जब हम एक से ज़्यादा स्टेराइल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं आईवी फ्लूड के अंदर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर करना है हमारे को तो हम उसको क्या बोलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इस आईवी के अंदर जो है इंट्राविनस फ्लूड के अंदर बहुत सारे स्टेराइड एक से ज़्यादा स्टेराइड प्रोडक्ट को हमने मिक्स किया हुआ है उसको हम बोलेंगे इन एडमिक्सचर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमेटोलॉजिक टेस्टिंग ऑफ अ पेशेंट विद एड्स विल शो ऑप्शन आर बेसोफिलिया लिम्फोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और इयोसिनोफिलिया। तो हेमेटोलॉजिक टेस्टिंग ऑफ ए पेशेंट विद एड्स विल शो लिम्फोपेनिया ऑप्शन नंबर बी इसके लिए जो है सही जवाब रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पास इफेक्ट अक्कर इन द फॉलोइंग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ऑप्शन आर इंट्राविनस सबलिंगल ओरल बोथ सबलिंगल एंड ओरल। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बोथ सबलिंगल एंड ओरल। सो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जो है किस टॉपिक से रिलेटेड आपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो। पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपके डिमांड में है कि मैं उसको ऊपर एक आपको उसको समझाऊँ आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दें। और किस सब्जेक्ट से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग कीप शाइनिंग गाइज़।